हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। आज मैं आ गई हूँ अष्टमी की दुर्गा महोत्सव की अष्टमी लुक लेके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये आप पहली बार देख रहे हो, पहली वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक द दुर्गा पूजा डे वन लुक मीन्स सप्तमी वाला लुक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में है एक बिग रिवील और मैं कुछ बातें, मतलब बिग रिवील आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ बुरा मत मानिए, मेरे आजू बाजू में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रहा है और ऊपर से मैं मेन रोड के सामने रहती हूँ, तो काफ़ी सारे नॉइजेस कभी कभार हर वीडियो में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ज़्यादा बातें ना करते हुए, विदाउट एनी डिले, कैसे मैं ये लुक कम्प्लीट किया है देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ द हाइलुरोनिक एसिड स्किन को थोड़ा सा नरिश करने के लिए। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्ट्रोक क्रीम यानी इल्यूमिनेटर। फिट मी पोरलेस मैट फाउंडेशन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना ऐसा ही। डैम स्पंज इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए। एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और करना ज़रूरी समझती हूँ और कर भी रही हूँ, आप लोग जब बाहर निकलने के टाइम पे मेकअप करेंगे तो सबसे पहले सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइए, उसके ऊपर आप प्राइमर लगाइए, फिर आप उसके ऊपर लगाइए अपना फाउंडेशन। उससे क्या होता है, आपकी जो फाउंडेशन है बहुत लॉन्ग लास्ट करेंगे। मैं एले गर्ल की प्रो HD कंसीलर लगा रही हूँ और किसी को मेरी शेड जाननी है, मेरी शेड है वार्म न्यूट। मैं SPF 40 लैक्मे की कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। लैक्मे की 2-in-1 ये जो है, मैं ये वाला थोड़ा सा सिमरी ब्रॉन्जर लूँगी और हल्के से एवरेज स्ट्रास। थे ब्लश की, ब्लश के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि ब्लश, अगर आपके पास ब्लश अंश ना है तो लिपस्टिक। लिपस्टिक है जो वीडियो है ऊपर मैं लिंक दे दूंगी। आज मैं फिर भी वही चीज़ मैं फिर से करने वाली हूँ। कोई भी कलर की लिपस्टिक, ये डार्क कलर हो या फिर कोई भी आपके पास ऐसे न्यूट्रल कलर हो, जैसे ब्लश ऑन आप चाहो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। माई फेस मेकअप इज़ डन। अब मैं थोड़ा और पास आ जाती हूँ क्योंकि मैं अभी आई मेकअप करने वाली हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आज मैं एकदम सिंपल और सटल आई करने वाली हूँ ताकि लिप मैं थोड़ा सा लाउड रख पाऊँ। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ ब्राउ को, जो मेरे जो गैप है उसको फील करने वाली हूँ नायका के टेके ब्राउ जो है, इससे स्पुली जो है उसके सहारे पहले आप आईब्रो को डाउनवर्ड्स कॉम कर लीजिए। गैप आपको दिख गया और अभी गैप को फिल कर लीजिए।
स्कूली से अपवर्ड्स ब्रश कीजिए, कॉम कर लीजिए। आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ नायका के आई शेडो पैलेट आईज ऑन मी डे ड्रीमिंग। इसमें से मैं एकदम ये जो न्यूट्रल शेड्स है एकदम न्यूट्रल शेड्स ही लूंगी। ये वाला शेड या फिर ये वाला शेड, दोनों ही शिमरी शेड है। लिट के यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा शिमर लगाऊंगी। सेम शेड मैं ले रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। आंखों की कॉन्टोरिंग मतलब आई शेडो, आंखों की जो एनहांसमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक काजल लेंगे और लेंगे एक लाइनर। मैं यहाँ पे शुगर की लाइनर जो पेन लाइनर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और एक मैं इस्तेमाल करूँगी शुगर की काजल। काजल मैं लगाने वाली हूँ वाटर लाइन पे। उंगली से आप इसको आराम से ऐसे स्मज कर दीजिए। कोई ब्रश की जरूरत नहीं है, ऐसे पेन टिप जो होते हैं। अभी मस्कारा की एक कोट यूज करूंगी, वो भी मेबलिन की लैश लिफ्ट। सो माय आई मेकअप इज कंप्लीटली डन। मैंने फॉल्सेस लगा लिए हैं और अब बारी है सिर्फ लिपस्टिक की एंड फिक्सर की। आप चाहो तो ऑप्शनल थोड़ी सी हाइलाइटर आप लगा ही सकते हो। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की लिक्विड लिपस्टिक। सो फ्रेंड्स माय मेकअप लुक इज कम्प्लीट। अब बारी आती है एक फिक्सर की। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्मैश बॉक्स की फिक्सर। सो फ्रेंड्स आई एम कम्प्लीटली रेडी। तो अष्टमी की लुक मेरी कम्प्लीट हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक बिग रिवील है, एक बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चल ही चुका होगा, अगर नए हो तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्पेसिफिकली खास करके आप मुझे बताओ कमेंट पे कि मैं अपना पहला सबसे पहला बिग गिव अवे कैसे प्लान करूँ, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपको पसंद है, क्या आप देखना चाहते हो। आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी वो पूरा बड़ा सा एक माई पहला जो गिव अवे है उसको प्लान करना अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गिव मी बिग थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाजू में जो बेल बटन है उस पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो लाऊं आप लोगों के पास एज अ नोटिफिकेशन के तौर पे जरूर पहुंच जाए। और एक बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मुझे इंस्टा में सब फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं सब्सक्राइब बोलने वाली थी, फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो मैं हर टाइम पे यहाँ पे नहीं देती हूँ यूट्यूब में, इंस्टा में ज़रूर देती हूँ। सो कीप फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर नाउ फ्रेंड्स बाय एंड अच्छे से दुर्गा पूजा और ये फेस्टिव डेज इन्जॉय कीजिए। हैप्पी दुर्गा पूजा, बाय।